भारत के पति कहते हैं ना कि स्त्रियों की अकल तो चोटी में होती है ना। बहुत सारे घरों में मैंने देखा, जब भी कोई स्त्री बात करने के लिए मुंह खोलती है ना, तो सब पुरुषों से चुप कर, चुप रहो, तुम्हें क्या पता है, ज्यादा ना बोला करो, बीच में बात मत किया करो। अरे भाई क्या कमाल है ऐसा व्यवहार, तुम कौन से बाग के बथुए हो, यहाँ तो साक्षात भोले बाबा अपनी धर्म पत्नी को जब आते हुए देखते हैं तो क्या व्यवहार करते हैं, जरा देख लीजिए। जान प्रिया दर अति कीना, जान प्रिया दर अति कीना, आदर कीना नहीं, आदर अति अति आदर। कैसे किया होगा, आप आदर करते हो कि नहीं, प्रेम करते हो कि नहीं, पूरा रोम रोम बताता है ना। मॉडर्न बच्चे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। अब हृदय में प्रेम होगा तभी तो बाहर प्रकट होगा, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी माँ आजकल तो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो भी चलता है। और कल मुझे एक लड़की का फोन आया, बोले दीदी माँ फेसबुक पे मेरी दोस्ती हो गई और वो कोई फोटो और ही दिखा रहा था, वो था कुछ और ही, और मैं 3 साल उसके चक्कर में रही। तो मैंने कहा वो क्या था, बोले दीदी माँ मैं क्या करूँ राम मुझको बुढ़ा मिल गया। तो मैंने कहा फेसबुक पे बुढ़ा ही मिलेगा, इसलिए अपनी माता पिता के चरणों का अनुगमन करो, और जब वो तुम्हारे लिए वर ढूंढ के लाएंगे ना तो कोई शंकर जैसा वर ही लाएंगे, कोई विष्णु जैसा वर ही लाएंगे, कोई देव को ही ढूंढ के लाएंगे। जान प्रिया दर अति कीना, जान प्रिया दर अति कीना, बाम भाग हर आसन दीना, बाम भाग हर आसन दीना। पार्वती ने कहा कि नाथ आपने मुझे बहुत तपाया है, आपने मुझे सन्मार्ग पे लाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, मेरे हृदय की लालसा थी मैं आपको पुनः पाऊं, मैंने आपको पा लिया, किंतु अभी मैं स्पष्ट नहीं हूं, मैं स्पष्ट होना चाहती हूं, प्रभु राम की कथा सुनना चाहती हूं, वो कैसे जन्मे, वो क्यों जन्मे, सुरपुरवासी उरपुरवासी कैसे हो गए, फिर उनका वनवास क्यों हो गया, फिर जानकी का हरण कैसे हुआ, और फिर कैसे कैसे रावण का दमन किया गया, आर्यवर्त की धरती को अक्षुण बनाया गया, मैं श्री राम की कथा सुनना चाहती हूँ। देखिए जरा, पति पत्नी दो किनारे हैं और बीच में श्री राम कथा की भागीरथी बह रही है, इसे दाम्पत्य बोलते हैं। इसलिए धर्म पत्नी कहलाती है, सहधर्मिनी कहलाती है। संसार के सारे पाप पुरुष अपनी पत्नी के बिना कर सकते हैं, पर जब भी पुण्य करना होगा तो धर्म पत्नी का पल्लू पकड़ के ही उद्धार होगा और कल्याण होगा।